दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं अपने एडसन अकाउंट की आईडी को कैसे अपन चेंज कर सकते हैं या अपना एडसन अकाउंट किसी दूसरी जीमेल आईडी पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एडसन का उपयोग करते ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं कैसे अपन अपना एडसन अकाउंट को किसी दूसरी जीमेल आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं या कैसे उसकी अपन जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने एडसन अकाउंट को किसी दूसरी जीमेल आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने एडसन की जीमेल आईडी को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है आपको, जिस भी जीमेल आईडी पे आपका एडसन अकाउंट है ना, उसको आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना। देखिए कि मेरा जैसे मान लीजिए इस जीमेल आईडी पर मेरा एक एडसन अकाउंट बना हुआ है और इसी को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या इसकी मैं जीमेल आईडी को चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है जिस पे आपका एडसन अकाउंट है और जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। चलिए पहले स्टेप ये है दोस्तों। सेकेंड स्टेप आपको यहाँ पर सर्च करना होगा एडसन। सर्च करने के बाद आपको एडसन में लॉगिन होना होगा। या फिर पहले नंबर वेबसाइट आई गूगल एडसन की अर्न मनी फॉर्म वेबसाइट मोनेटाइजेशन का, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है एडसन की। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा आएगा मतलब, तो आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना दोस्तों। जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है जो कि लॉगिन है उससे ऑटोमेटिकली आपका ये लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम यहाँ वेट करेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये मेरा एडसन अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इस जीमेल आईडी से भी एडसन खुला हुआ है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस एडसन का जो आईडी कोड है, जैसे कि पब्लिशर आईडी है, वो 344 आपको मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 344 है। अब मैं इसी एडसन अकाउंट को किसी दूसरी आईडी पर ट्रांसफ़र करेंगे अपन, तो आपको सिखाएंगे भी। जब आपका ऐसा खुल जाएगा आपको ध्यान देना है यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं, होम, एड्स, एड मोफ साइट, ब्लॉकिंग कंट्रोल रिपोर्ट है ना, ऑप्टिमाइजेशन, पेमेंट, अकाउंट फीडबैक। दोस्तों आपको ध्यान देना है ये जो अकाउंट वाला आपको ऑप्शन देने को मिलता है अकाउंट ये वाला, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे, सेटिंग, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों, और आप देखेंगे प्राइवेसी सेंटर, एक्सेस एंड ऑथराइजेशन ये लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना दोस्तों, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आएगा यूजर्स मैनेजमेंट के नाम से एक विंडो खुलेगी ऐसा, और यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा मैनेज यूजर्स फॉर यूर एडसन अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंटर ईमेल एड्रेस। तो आपको दोस्तों जिस भी ईमेल आईडी पर आपके एडसन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है बात वही है, या आपको अपनी एडसन आईडी को चेंज करना है तब भी बात वही है। तो आप है ना जिस पर इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या इसकी ईमेल आईडी डालना मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगी। चलिए मैं यहाँ पर अपनी एडसन की दूसरी जीमेल आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए डाल देता हूँ टेक्निकल दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर वन, ये मेरी आईडी है टेक्निकल सर्जी number1@gmail.com। दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी आईडी डाल देना है और आईडी डाल देने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है इनवाइट यूजर्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे एक आईडी लिखी आ रही थी advcastingagencyallindia@gmail.com, एक ही एक्टिव थी। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है technicalsurgery1@gmail.com स्पेंडिंग। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, इसमें ब्लू है और इस पर ब्लैक है। इसको अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो इसका आईडी का जो आपका एडसन अकाउंट है इसका ओनर ये आईडी है ये भी बन जाएगी, मतलब इसको फुल कंट्रोल कर पाएगी इसको ऑन करने से। तो आप उसको एडमिन बनाना चाहते हैं, ट्रांसफर करना है ना आपको, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। आपको इतना काम कर लेने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए आपको इस पूरे को लॉकआउट कर देना है यहाँ पे ना, लॉकआउट कर दीजिएगा, कंप्लीट लॉकआउट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 344 ध्यान रखिएगा आप है ना, ये लॉगआउट हो चुकी है। यहाँ से न्यू विंडो ओपन कर लेंगे अपन और इस आईडी को भी यहाँ से अपन लॉगआउट कर देंगे। चलिए ये भी खुली होगी, देख लेते हैं खुली तो नहीं है। ये जो मेरी आईडी है अभी यहाँ खुली हुई है आप देख लीजिए, जो कि एडी नहीं 200 बंद हो गई है, मतलब जो आईडी मेरी थी मैंने लॉगआउट कर दी है। अब यहाँ आपको करना क्या होगा, आपको जिस भी ईमेल आईडी पर इस अकाउंट को एक्सेस करना जो अपने वहाँ डाली हुई है टेक्निकल सर्जी वाली, उसी आईडी को आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये आप अपना पासवर्ड, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और पासवर्ड डाल दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आपका एडसन अकाउंट था उस एडसन अकाउंट से आपकी जीमेल आईडी पे जो अपनी जीमेल आईडी डाली हुई है उस पे एक मेल आया होगा गूगल एडसन का। देखिए ये दिख रहा है आपके लिए, इसको आप ओपन कर लेना है।
और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू वी वीन इनवाइट टू एक्सेस एन एडसन अकाउंट। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। आपको करना क्या दोस्तों, सिंपल सा, आपको ये लिंक जो दिख रही है यहाँ पे, विजिट दिस लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली हुई है एडसन में, उसी ईमेल आईडी को ओपन करना है आपको जीमेल पे, उसी पे ये मेल आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको विजिट दिस लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको सामने आता है इनवाइट टू एक्सेस एडसन अकाउंट, यहाँ लिखा टेक्निकल सर जी एट डेट जी मेल डॉट कॉम, यू हैव बीन इन्वाइट टू ज्वाइन एडसन अकाउंट विथ पब्लिशर आई डी ये लिखी हुई है, देखिए 344 जो मैंने बताई थी मैंने आपको, है ना, एडमिनिस्टर के तौर पर इसको मतलब एडमिन बनाया जा रहा है आपके लिए, आप इस पर एग्री करिए। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, सिंपल सा, आपको यहाँ लिखा है साइन इन आस टेक्निकल सर जी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम एक्सेस द दिस एडसन अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और सिंपल आपको उसी आई डी पर आपका ऐसा लोगो आएगा, आपको इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपनी जो आपकी आईडी है जो आपने वहाँ पर डाली हुई थी एडसन में, यहाँ पे उसका फिर से पासवर्ड डाल लो, मतलब कि जो आपकी टेक्निकल सर्जी वाली आईडी जो मेरी है और आपने जो आईडी डाली हुई है उसी आईडी का यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना। जैसे ये इस आईडी आपको देखने को मिल रही है, उसका आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आप देखेंगे कुछ सेकंड की थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ आपको थोड़ा वेट करना होगा, और फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एडसन सक्सेसफुली एट टेक्निकल सर जी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम टू एडसन अकाउंट बिट पब्लिशर आई डी ये लिखे आगे 344। अब बोल रहा है टू लॉग इन एडसन प्लीज फॉलो द स्टेप, तो आपको सिंपल गूगल एडसन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर चलिए क्लिक कर देते हैं अपन, तो आपको दिखाना चाहूँगा आप कैसा ऑप्शन आता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरी आई डी है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा चुका टेक्निकल सर जी, जो कि यहाँ पे पहले ए डी बी कास्टिंग का लिखा आ रहा था, और यहाँ पे पब्लिशर आई डी भी 344 आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी अपनी जी मेल आई डी से अपने अपने एडसन अकाउंट की जी मेल आई डी को या अपने एडसन अकाउंट को किसी दूसरी जी मेल आई डी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वेरी इजी स्टेप्स हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे कैसे अपन अपने एडसन अकाउंट को किसी दूसरी जी मेल आई डी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या कैसे अपन अपने एडसन अकाउंट की जी मेल आई डी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मैं आप समझोगे निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और कमेंट करके अपनी राय इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।